भाजपा नेता ने जो कल प्रेस वार्ता में हमारे सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडे जी से जो सवाल पूछे हैं, वो सवाल उनको अपने मुख्यमंत्री अपनी सरकार से पूछने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनमें एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, ठीक है, और जो ये सवाल उन्होंने पूछे हैं वो हिम्मत नहीं है कि वो अपनी सरकार से अपने मुख्यमंत्री से पूछें। कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडे से जो सवालों की झड़ी पूछी है। डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडे जी को उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। समय समय पर उन्होंने अपने क्षेत्र में गांव से लेकर शहर में हर जगह समानांतर विकास किया है, क्षेत्र में विकास हो रहा है, गाँव में विकास हो रहा है, चाहे वो महिला मंडल को लेकर हो गाँव में, हर जगह विकास है। अब जो चश्मा है वो तो भाजपा नेता को बौखलाहट का है उनके चेहरे पे, क्योंकि जाती भी सरकार है, 4.5 साल हो गए हैं, वो उन्हें उतारने की जरूरत है। उसको उतार कर अगर वो देखेंगे तो उनको चारों तरफ विकास ही नजर आएगा। और वो जो सवाल उन्होंने पूछे वो अपनी सरकार से पूछे, अपने मुख्यमंत्री से पूछे। मुख्यमंत्री जी अभी ताज़ा ही सोलनी मेले पर रात को सोलन ठहराव पर थे, रात्रि यहीं पर थे, उन्होंने वहां तो इतनी लंबी लिस्ट अपने मुख्यमंत्री के आगे रखी, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना अपने आका के आगे ये सब पूछने की, तो इसलिए ने वो घुमा फिरा कर वो सवाल अपनी कमियां छुपाने के लिए हमारे विधायक के सर माथे पे डाली, उनसे पूछे ये सवाल। हमारे विधायक महोदय ने समय समय पर अपना विधानसभा पे भी और पत्रकार वार्ता में आप भाइयों के समक्ष भी ये उठाया है कि 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री की जी सोलन, जहां जहां कांग्रेस के हमारे विधायक है या हमारे सोलन है, वहां भेदभाव से काम हो रहा है। और ये उसी का नतीजा है कि जो चींटी की उसमें जो कार्य चले रहे हैं, चंबा घाट आप फुटपाथ को ले लीजिए, आप शांति बाईपास को ले लीजिए, कछुआ के चाल पर ये कार्य हो रहे हैं। तो ये वो खुद कहते हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अभी आप ताजा उदाहरण देख लीजिए, शूलिनी फेर हमारा अंतर्राष्ट्रीय माँ शूलिनी का मेला गया, उस पर भेदभाव किया गया। तो ये भेदभाव तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और वो कर रही है।